हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसका कोड है एग्रो 111 एंड एग्रो 111 का क्रेडिट है 1+1। सो इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी के बेसिक पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक है इट्स डेफिनेशन, एग्रोनॉमी स्कोप, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमिस्ट विथ अदर साइंसेज। फर्स्ट टॉपिक का वेटेज है 4%। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन। एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट। Agronomy is defined as an agricultural science deals with the principle and practice of crop production and field management. Agronomy का मतलब होता है इसमें हम field management और crop production practices के बारे में पढ़ेंगे। Okay? So agronomy is the scientific study of soil management and crop production including irrigation and the use of herbicide, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। एग्रोनॉमी के अंदर हम सॉइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इरीगेशन, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइज़र को भी फील्ड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, और इरीगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज कंसिडर्ड एज द मदर और प्राइमरी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की सबसे प्राइमरी ब्रांच एग्रोनॉमी है। ओके, इट हैज़ थ्री डिस्टिंक्ट ब्रांचेज। इसकी तीन मेन ब्रांचेज होती है, क्रॉप साइंस, सेकेंड सॉइल साइंस एंड थर्ड एनवायरमेंटल साइंस। सो एग्रोनॉमी की मेन ब्रांचेज क्रॉप, सॉइल एंड एनवायरमेंट है। The central theme of agronomy is soil crop environment relationship. So agronomy किस किस से मिलके बना है, soil, crop and environment का relation तीनों से मिलके agronomy बना है। Basic principle of agronomy. Agronomic principles are the ways and means for better management of soil, plant and environment for economically maximum returns per unit area for years. एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हम बेटर मैनेजमेंट कर सके सॉइल, प्लांट और एनवायरमेंट को यूज़ करके, और इससे हमको ज़्यादा प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया होए। ओके, सो द फर्स्ट इज प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिव Executing measures for maximum utilization of land, labor, capital and other factor of production. So agronomy में हम land, labor, capital और production के other factors को use करके हम maximum production कैसे करें उसके लिए planning and programming करते हैं। Next, choice of crop of varieties adaptable to the particular agroclimate, land situation, soil fertility, सीजन एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इसके अंदर हम ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, ऐसी क्रॉप वैरायटी को चूज करेंगे जिस जो लैंड सिचुएशन पे अप्रोप्रिएट हो, सॉइल फर्टिलिटी के भी अकॉर्डिंग हो, और टेम्परेचर के उस टेम्परेचर उस सीजन में भी सही हो। Proper field management by tillage, preparing field channels and burns of irrigation and drainage and checking soil erosion. Agronomy में हम proper field management के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर field management कैसे किया जाता है, by using tillage process और preparing field channels बना के, और burns of irrigation and drainage and checking soil erosion, और हम सॉइल इरोजन को भी चेक कर सकते हैं ताकि सॉइल इरोजन भी नहीं होए, सॉइल वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी लूज नहीं होनी चाहिए, इसके भी मैनेजमेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉप
Next, adaptation of multiple cropping and also mixed or intercropping to ensure harvest even under adverse environmental condition. और एग्रोनॉमी में हम क्या सीख सकते हैं कि हम अलग अलग प्रोसेस को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह हमें एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी हार्वेस्टिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है उस टाइम भी हम इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग को यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडॉप्टेशन ऑफ सूटेबल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़, और हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और सूटेबल मेथड्स को यूज़ करें ताकि हमारी हार्वेस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन वाला प्रोसेस सही हो, और हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। फर्स्ट, यील्ड मैक्सिमाइजेशन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कल्टीवर्स HYVs। एग्रोनॉमी के स्कोप्स क्या हैं? फर्स्ट, हम यील्ड को मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं न्यू कल्टीवर्स और HYV को यूज़ करके, हाई यील्ड वेराइटीज़ के सीड को यूज़ करके हम यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट। हम प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं। थर्ड, बेटर वाटर यूज़ एफिशिएंसी ड्यू टू एग्रोनॉमिक नॉलेज। सो अगर हम प्रॉपर एग्रोनॉमिक नॉलेज को यूज़ करेंगे तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को भी अच्छे से समझ पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। फोर्थ, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू एग्रोनॉमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। सो एग्रोनॉमी को यूज़ करके हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। ओके, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम उसके लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ, स्पेशल टीलेज एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन फॉर बेटर क्रॉप ग्रोथ एंड मैक्सिमाइजिंग हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हम स्पेशल टीलेज प्रोसेस और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस को यूज़ करके बेटर क्रॉप ग्रोथ कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग इंडेक्स को भी बढ़ा सकते हैं, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। किसका यूज़ करके? एप्रोप्रिएट सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को यूज़ करके। एप्रोप्रिएट सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स विद लेजर यूज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीज्ड प्रॉफिट। एग्रोनॉमी को यूज़ करके हम सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को अच्छे से यूज़ करना सीख सकते हैं, एप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्रॉप यील्ड्स इंक्रीज हो जाएगा और फर्टिलाइजर्स का भी कम यूज़ होगा। फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेवेंथ, इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया टू फीड टीमिंग मिलियन ईयर एवरी ईयर। सो इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज़ करके ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ठीक है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा पर यूनिट एरिया, और जो मिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, मिलियन बिलियन स्टम्प्स की जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनको फीड करना ईजी हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी टू अदर साइंसेस। इसमें एग्रोनॉमी दूसरी साइंसेस से कैसे रिलेट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी इज़ अ मेन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ सिंथेसाइज ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है, ओके, लेकिन एग्रोनॉमी किससे रिलेट करती है और किस किस ब्रांचेस से भी रिलेट करती है? सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, द सॉइल साइंस हेल्प्स द एग्रोनॉमिस्ट
to thoroughly understand the soil physical, chemical and biological properties. सॉइल साइंस से हम सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं, जो कि एक एग्रोनॉमिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. द एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हेल्प्स द एग्रोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड यूजेस ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक. एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हम सॉइल की केमिकल कंपोजिशन को जान सकते हैं और प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और प्रोडक्शन को, क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बताती है, जो कि एक एग्रोनॉमिस्ट के लिए हेल्पफुल है. थर्ड, द क्रॉप फिजियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक लाइफ प्रोसेस of crop to understand functioning of each part of plant to determine their input requirement like nutrients. Crop physiology में हम crops की basic requirements, उसको कौन कौन से nutrients चाहिए उसके बारे में जानते हैं, जो हमारी crop production के लिए एक important है. The next is plant ecology. The plant ecology helps us to understand the associated environment in which the crop grown, like the influence of weather, temperature or rainfall. Plant ecology में हम crops के production के लिए कौन सा environment favorable होता है, कैसा weather चाहिए होता है, जैसे कि temperature और rainfall, plants को कितना temperature चाहिए, किस crop को grow करने के लिए कितना temperature appropriate रहता है और कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, ये हमें प्लांट इकोलॉजी में पता चलता है. द नेक्स्ट, द बायोकेमिस्ट्री शोज द वे इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्रॉप्स विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट टू फेवरेबली एक्टिवेट दिस प्रोसेस. बायोकेमिस्ट्री से हमको क्रॉप्स का बायोकेमिकल प्रोसेस का पता लगता है, जो कि प्लांट्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक्स पेव्स द वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस इन फार्मिंग. इकोनॉमिक्स से हमको कैसे प्रॉफिट कमाना है और लॉसेस को कैसे एनालाइज करना है, कैसे लॉसेस को रिड्यूस करना है और हम प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स से पता चलता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट. एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है, उसका क्या काम होता है. एग्रोनॉमिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट हु इज़ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बेटर फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट टू गेट हाई यील्ड एंड इनकम. एग्रोनॉमिस्ट किसके साथ डील करता है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसमें, उसके साथ डील करता है और हमको बेटर प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए और सॉइल मैनेजमेंट को कैसे करना चाहिए, सॉइल को हम कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सके ताकि हाई यील्ड हो और इनकम ज़्यादा हो. द नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिस्ट the scientist who studies the principle and practice of crop production and soil management for production of food for human being and feed for his animals. Agronomist ki definition kya hoti hai, agronomist is a scientist. Okay, agronomic scientist hota hai jo ki crop production ke basic principle aur practices ke bare mein padhta hai aur soil ko manage karne ke process ko padhta hai aur usko फील्ड में अप्लाई करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, ताकि फूड प्रोडक्शन हो सके ह्यूमन बींग के लिए और एनिमल, उनके एनिमल्स के लिए भी फीड करने के लिए प्रोडक्शन हो सके. नेक्स्ट, एग्रोनॉमिस्ट ऑल्सो नोन एज डॉक्टर ऑफ प्लांट. एग्रोनॉमिस्ट प्लांट का डॉक्टर होता है, क्योंकि एग्रोनॉमिस्ट क्रॉप प्रोडक्शन की सारी प्रॉब्लम्स को, सॉइल मैनेजमेंट को, सबको हैंडल एग्रोनॉमिस्ट करता है. एग्रोनॉमिस्ट इज़ अ स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट इन एग्रोनॉमी विच डील्स विद द साइंस ऑफ यूटिलाइजिंग प्लांट फॉर फूड, फ्यूल, फीड एंड फाइबर. एग्रोनॉमिस्ट एक साइंटिस्ट है जो
एग्रोनॉमी के साथ डील करके हम फूड फ्यूल फाइबर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनका प्रोडक्शन करना है, ये सब कुछ एग्रोनॉमिस्ट डील करता है. इट इज़ ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व टू सेलेक्शन ऑफ सूटेबल क्रॉप्स एंड वेराइटीज टू सूट वेरिएट सीजन एंड सॉइल. एग्रोनॉमिस्ट का काम होता है कि कौन सी क्रॉप किस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल है और किस सॉइल के लिए सूटेबल है, उसको यूज़ करना, उसे पता करना और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना. सो गाइज, ये था एग्रोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर, इट्स डेफिनेशन, ब्रांचेस एंड स्कोप. इसमें हमें एग्रोनॉमी के बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे टीलेज प्रोसेस और टीलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.